हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक्सेस कोड की टाइमिंग। आज की वीडियो में हम आपको एक्सेस कोड की टाइमिंग के बारे में बताएंगे। टाइमिंग में जो भी कन्फ्यूजन है उन कन्फ्यूजन को आज हम आपके सामने दूर करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप टाइमिंग के मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। उनके मार्क्स कहाँ कहाँ पर हैं। टाइमिंग बन चुकी है, मैं आपको कम समय में टाइमिंग पूरी बता देता हूँ ताकि आपका समय ख़राब ना हो। तो प्लीज़ भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं कैम के मार्क्स के बारे में बात करते हैं। कैम के मार्क्स चैन पे इसके डॉट निशान हैं। थोड़ा कैमरा ढंग से दिखाएं, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, चेन पर डॉट है और ये एग्जॉस्ट की कैम है। ध्यान से सुने फ्रेंड्स, कैम जो है एग्जॉस्ट की है और चेन पर डॉट है। और जो कैम पे एरो टाइप में निशान है, देखो मेरी उंगली के सामने देखो, एरो टाइप में निशान है। तो ये जो चेन का डॉट है वो एरो टाइप के निशान पर आएगा, ठीक है। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ भैया, कृपया इधर दिखाएं थोड़ा। हाँ, इधर चेन का जो डॉट है ये दिख ही चुका है, ये आएगा आपको बिंदु मार्क्स के सामने, जो कैम की बिंदु है उसके सामने आएगा। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कन्फ्यूजन होगा क्या, इधर तो एरो है, दिखाना, इधर तो एरो है फ्रेंड्स। सोच रहे होंगे इधर एरो है और इधर बिंदु है, ऐसा क्यों है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस बिंदु पर लेते हैं, आप सोच रहे होंगे ये बिंदु, अगर हम इस बिंदु पर लेते तो ये टाइमिंग नहीं बन पाएगी। और टाइमिंग को बिल्कुल ओके करने का और भी सिंपल तरीका है, वो ये है कि नीचे दिखाएं, यहाँ पे माइनस निशान होगा कैम पर, दोनों कैमों पर माइनस निशान है और हेड पर भी माइनस निशान है, हेड पर भी माइनस का निशान है। वो निशान आमने सामने करने हैं, बिल्कुल दिखाना चाहेंगे आपको उन निशानों के बारे में जो बिल्कुल माइनस बनाने हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये माइनस का निशान आमने सामने है बिल्कुल, जो हेड पर है। और देखिए ये वाले भी निशान आमने सामने है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें यही निशान दोनों जब अगर कैमो के हम मिला देंगे, इनटेक की और एग्जॉस्ट की, तो हमारी टाइमिंग कंपलसरी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बाकी ऊपर जो डॉट हैं, एक तरफ एरो है और एक तरफ डॉट का निशान है। ये देखिए, देखो ये रे, यहाँ मेरी उंगली है, यहाँ माइनस है दोनों तरफ और यहाँ हेड पर भी है, ऐसे ही आमने सामने कर दिए। और दूसरा निशान है यहाँ, ये भी माइनस है, देखो ये नीचे माइनस है, दोनों माइनस में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ठीक उसी केसरीज वैगनार की तरह है। लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न सिर्फ आपको यही है कि एक तरफ बिंदु मार्क्स है और एक तरफ एरो मार्क्स है। तो फ्रेंड्स, आपको अब मैं क्रैंक की टाइमिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्रैंक की टाइमिंग है, थोड़ा बर्फ चलेगा। ये फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्रैंक का आ चुका है, बिल्कुल मार्क्स के सामने है। ये देखिए, जो भी कन्फ्यूजन है
वो दूर कर लें। अब मैं आपको दोनों कन्फ्यूजन दूर करूँगा। एक आप देख रहे होंगे ऊपर भी एक माइनस का निशान है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो, ऊपर जो काटर का निशान, जो काटर है कैम में, मैं उंगली रख करके बताऊँगा, ये जो काटर है फ्रेंड्स, काटर को माइनस के जो ब्लॉक पर माइनस का निशान है उस पर करना है। ये देखिए बिल्कुल माइनस पर है, और जो चेन पर डॉट दिया गया है ब्लैक कलर का, वो इस बिंदु पर आएगा जो कि क्रैंक का गियर है। ये क्रैंक का गियर है, क्रैंक के गियर के सामने जो चेन का काटर है ये आ चुका है, और यहाँ बिल्कुल ओके टाइमिंग है, देख लीजिए फ्रेंड्स। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप इसकी टाइमिंग करें तो टाइमिंग करने के लिए आपको चैम्बर खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने चैम्बर नहीं खोला है, ये देखिए इसमें चैम्बर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि इसकी टाइमिंग प्लेट के अंदर ऑयल पम्प की जो जाली होती है वो है नहीं, वो ब्लॉक के अंदर लगी हुई है, इसलिए हमें बड़ी आसानी से चैम्बर खोलने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से हमारी टाइमिंग प्लेट खुल जाएगी। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। फ्रेंड्स मैं अगली वीडियो में आपके साथ आऊँगा, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।